स्वागत है। आप देख रहे हैं बीएसटी न्यूज़ लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूँ आपके साथ पिंकी आई नजर। प्रियंका गांधी के महासचिव बनाए जाने पर गाजीपुर कचहरी पर कांग्रेसियों ने खुशी में लहराया कांग्रेस का झंडा, खिलाई मिठाई। मुस्लिम महिलाओं संघ कांग्रेसियों ने खिलाई एक दूसरे को मिठाई। कांग्रेसियों ने झंडा लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खूब नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मार्कंडे सिंह, शहर अध्यक्ष शफीक अहमद ने कहा, प्रियंका नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। वहीं मुस्लिम महिला कार्यकर्ता भी अपने को नहीं रोक सकी। उत्साह में झंडा लेकर वो भी सड़क पर नारेबाजी करते हुए कहा कि हम सबकी मांग पूरी हुई। कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और सांबित पात्रा पर भड़ास निकाली और कहा कि उनके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, प्रियंका शहीद की बेटी है और हम योगी और मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। गाजीपुर से हमारे संवाददाता मेहताब आलम की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और पूर्वांचल की बागडोर दी गई है, क्या लगता है क्या होगा इससे? प्रियंका एक गांधी है, दूसरी आंधी है और उनके आने से 35-40 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे। खास तौर से पूर्वांचल गोरखपुर से लेके वाराणसी यानी योगी से लेके मोदी तक की जिम्मेदारी प्रियंका को दी गई है, कैसे निभाएंगी? उससे बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता, वो पूरे देश की निभा सकती है। पूर्वांचल क्या, वो पूरे देश की निभा सकती है। उनके वो क्षमता जो इंदिरा गांधी में क्षमता थी उनके में इंदिरा जी की झलक आती है और वो मोदी को उखाड़ फेंकेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा फोकस, मोदी और योगी दोनों को हराएंगे हम। बनारस में भी मोदी हारेंगे और गोरखपुर में योगी हारेंगे। और प्रियंका गांधी, बहुत पुरानी कांग्रेसियों की ये मांग थी कि वो शहीद बाप की बेटी, जिसका बाप बम से उड़ा दिया गया, जिसकी दादी 36 गोली सीने पर खाई देश के लिए, ऐसी देश की बेटी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत दिनों से प्रयासरत थे। आज हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि हमारी नेता, वो इंदिरा गांधी की दूसरी इंदिरा गांधी है, प्रियंका नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। और हम पूरा पूर्वांचल की 36 की 36 सीट पर, पूरा उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग जीतने जा रहे हैं। और आरएसएस प्रमुख ये समझ गए हैं कि भाजपा हार रही है, इसीलिए उन्होंने आलोचना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुरू कर दिया है कि देश पर सैनिक मारे जा रहे हैं। हम आरएसएस प्रमुख की ये बात का समर्थन करते हैं कि मोदी हर मोर्चे पर फेल हैं और हमारे जवान लगातार मारे जा रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार से 100 जवान ज़्यादा अभी तक मारे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में कौन? अब प्रधानमंत्री ओनली राहुल गांधी। राहुल गांधी ने दिखा दिया, उनके नेतृत्व में 3 हिंदी बेल्ट की बेहतरीन जीत हम लोग जीते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब कोई नहीं है टक्कर में, कांग्रेस में अकेला नेता है राहुल गांधी है, वही प्रधानमंत्री का देश का, वही देश के आगे ले जाएगा। मेरा नाम जैरुनेसा है, बहादुरगंज से वार्ड नंबर 12 से सवाल। जैरुनेसा जी, आज प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई है, मोदी से लेके योगी तक की लोकसभा उनको संभालनी है, कैसे देखती हैं उनको, कैसे संभालेंगी? अच्छी तरह संभालेंगे। हम लोग की मांग प्रियंका गांधी की थी बहुत ज़्यादा दिन से पहले, हम लोग चाहते थे कि वो आए हम लोग को राजनीति में और हम लोग को बहुत हिम्मत मिलेगी, अगुवाई करेंगी। और आज हम लोग की बहुत खुशी है कि ऐसे नेता हम लोग के साथ आए और महिलाएं के मान सम्मान मिल रहा है, मिलेगा। क्या लगता है कि इंदिरा गांधी की झलक लोग बता रहे हैं मिल रही है तो उसका भी फायदा? बिल्कुल, इंदिरा गांधी के झलक से बढ़ करके ये काम करेंगे प्रियंका गांधी। इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी दोनों तो बराबर में, मैंने उनसे आगे चल सकती हैं। पार्टी जिंदाबाद। आज प्रियंका गांधी को, आज प्रियंका गांधी को पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई है और साथ में AICC का महासचिव बनाया गया है, जी जी। किस तरह से देखते हैं, कैसे जिम्मेदारी निभा पाएंगे? ये इतना बड़ा परिवर्तन जिसकी मांग उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का कार्यकर्ता हमेशा इस बात की मांग कर रहा था कि प्रियंका गांधी जी को आप कांग्रेस राजनीति में ले आइए, प्रियंका गांधी जी को राजनीति में ले आइए, जिम्मेदारी दीजिए, इस बात को यहाँ उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज वो शुभ दिन आ गया, आज 23 जनवरी इस भारत के इतिहास का गौरवशाली दिन है। आज ही के दिन प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है और गाजीपुर की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई है।
आज प्रियंका जी गाजीपुर में जो परिवर्तन और जो लोगों ने बधाई और जो संदेश मिल रहा है ये एक अविस्मरणीय है और परिवर्तन का संकेत है। अभी भाजपा की तरफ से संबित पात्रा का बयान लिया गया है जी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं इसलिए प्रियंका गांधी को उतारा गया है, कैसे क्या इस पर प्रतिक्रिया? देखिए संबित पात्रा जी का बयान अपनी जगह पे है, वो क्या बोलते रहते हैं उनका तो काम ही नहीं करता है। प्रियंका गांधी एक बहादुर बाप की बेटी है जिनके टुकड़े टुकड़े इस देश के अंदर आतंकवाद ने इस देश की व्यवस्था ने टुकड़े टुकड़े हुए, तो उनकी बेटी है जिसकी दादी को 35 गोलियां लगी थी, उनकी बेटी है प्रियंका गांधी की। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी और संबित पात्रा के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आप गठबंधन को कैसे हराएंगे? गठबंधन तो अपनी जगह पे है, उनका अपना काम है। हमारी राजनीतिक विरासत है, हमारा इतिहास है गाजीपुर के अंदर, पूरे देश के अंदर। हम कांग्रेसी हैं, हमने अंग्रेजों को भगाया है, ये सरकार को भगाने में कितना समय लगेगा? क्या लगता है आपको, बीजेपी और गठबंधन आपके लिए कोई चुनौती नहीं है? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, हमारी नीतियाँ सबके लिए चुनौती है, हमारे सिद्धांत है, जिनकी वजह से कांग्रेस की वजह से सारे लोगों को जो इधर उधर हो रहे हैं। आज कांग्रेस आ गई, मध्य प्रदेश में हम जीते, छत्तीसगढ़ में जीते, राजस्थान में जीते, पूरे देश की बारी है, पूरा राष्ट्र हमारा, हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के साथ।